number of people who have been arrested under the narcotics cases. 58% of them are Maithis. 51% are Kukis and 1% are from other communities. These records clearly say ki it is not only the Kukis who are involved in narcotics, others are actually. I fully agree that Kukis cultivate coke. I'm not denying that. Because people who staying in ye itne remote ilake mein rehte hain ki inke paas jeene ka koi aur sadhan hai. खाने के लिए कुछ चाहिए, खाने के लिए तो ये लोग अपना अनाज वगैरह पैदा कर लेते हैं, पर खाने के अलावा भी इनको थोड़ा कैश चाहिए, तो उसके लिए लोग बॉर्डर एरियाज में ओपियम उगाते हैं और उसको म्यांमार से लोग आकर के ले जाते हैं। पर अगर मैं आज की डेट में नारपुरे, आई वाज टॉकिंग टू एक, मैं सचिन से बात कर रहा था जो एक्स डीजी नारकोटिक्स रहे हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, अभी जो नारकोटिक्स का पूरा सिस्टम है पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, इवन इन द एंटायर गोल्डन ट्रायंगल, इट हैज कंप्लीटली चेंज। आज से 30-40 साल पहले ये ओपोइड ड्रग्स का खप होता था, ओपोइड ड्रग्स मतलब ओपियम बेस्ड ड्रग्स, हेरोइन, ब्राउन शुगर, ओपियम, ये सब वहाँ चलता था। आज की डेट में इस पूरे नारकोटिक्स जो करीब मणिपुर के अंदर, अगर मैं नारकोटिक्स का साइज देखूं, नारकोटिक्स मार्केट का, इट इज 70,000 करोड़। 70,000 करोड़ का जो नारकोटिक्स का मार्केट है मणिपुर के अंदर, उसमें अगर मैं ओपियम का शेयर देखूं, इट इज नॉट इवन 2-5%।